हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल रोमियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। Xiaomi ने अपने बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च किए और एक के बाद एक सक्सेस मिलती चली गई। आज Xiaomi एक ब्रांड बनकर उभर कर सामने आ चुका है। तो अब Xiaomi फाइनली हाथ आजमाइश करने जा रहा है अपने फीचर फोन के बारे में। यानी सबसे पहले जियो ने अपना फीचर फोन लॉन्च किया जो कि 4G LTE सपोर्ट करता है। उसके बाद में कई सारी नई नई कंपनियां आई जिन्होंने अपना फीचर फोन एक बजट प्राइस में लॉन्च किया। उसके बाद Xiaomi भी कहां पीछे रहने वाला था, तो भाई अब Xiaomi ने सोच लिया है कि Xiaomi अपने फीचर फोन में भी अपनी हाथ आजमाइश करेगा। Xiaomi का एक फीचर फोन जो कि हाल ही में चाइना में लॉन्च हो गया है और जिसका मुकाबला डायरेक्ट जियो के फोन से है, और Xiaomi ने अपने इस फीचर फोन को नाम दिया है किन AI। क्या अजीब सा नाम है यार, किन AI। चलिए ठीक है, और Xiaomi ने चाइना में इस फोन का प्राइस रखा है 199 चीनी युआन, यानी तकरीबन भारतीय करेंसी के हिसाब से 2000 रुपए। तो 2000 रुपए का Xiaomi का यह फीचर फोन डायरेक्ट जियो के फोन को टक्कर देगा। देखते हैं फोन में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या सच में ये जियो को फोन को टक्कर दे पाएगा। और वैसे भी यार जियो की स्कीम्स और पॉलिसी हिडन होती है। इसमें इतने का रिचार्ज कराओगे तो ये फोन इतने का पड़ेगा, 500 का पड़ेगा, और एक्चुअल फोन की कीमत तो यार उतनी ही होती है, तकरीबन 2000 या 1500 रुपए। तो देखते हैं Xiaomi इसके रिगार्डिंग क्या करता है। तो चलिए इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है और वहीं 2.8 इंच की छोटी वाली डिस्प्ले मिलती है, और साथ ही आपको रैम मिलती है इसके अंदर 256 MB की, और वहीं 512 MB का स्टोरेज मिलता है जिसे SD कार्ड के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। अच्छी बात यह है आपको इसके अंदर 3.5 mm का जैक मिलता है और 1480 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि फीचर फोन के हिसाब से इनफ है। Xiaomi कहता है हमारा ये वाला फीचर फोन 17 भाषाओं को सपोर्ट करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखना ये होगा इसमें फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह काम करेगा। वैसे सोर्सेस तो यही आ रहा निकल के इस पे फेसबुक और व्हाट्सएप भी काम करेगा, और ये फोन 4G LTE सपोर्ट भी करता है। और इतना ही नहीं यार, एक चीज इस फोन में मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी, वो है इसका टाइप सी पोर्ट। यार आज के टाइम में 10,000-15,000 रुपए की कीमत में भी टाइप सी पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन Xiaomi ने अपने इस 2000 रुपए की कीमत वाले फोन में टाइप सी का पोर्ट दिया है, तो ये कमाल की बात है। अब देखना यह होगा कि ये इंडिया में कब लॉन्च होता है। अगर लॉन्च होगा तो क्या आप इस फोन को लेंगे, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। और अगली खबर अगेन Xiaomi की तरफ से आ रही है, Xiaomi का Mi Mix 15 सितंबर को लॉन्च हो सकता है। ये एक बड़ा ही कमाल का फोन होने वाला है। इस फोन में आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि फ्रंट में आपको पूरी स्क्रीन देखने को मिलेगी, बेजल्स इसके बहुत ना के बराबर होंगे। और बात करें जब इसके फ्रंट में बेजल्स नहीं होंगे, टोटल आपको स्क्रीन देखने को मिलती है सामने की तरफ, तो इसका फ्रंट कैमरा कहां पर होगा। ऑब्वियसली उम्मीद है इसका फ्रंट कैमरा स्लाइड वाला होगा, यानी कि फोन के टॉप से स्लाइड होकर ऊपर की तरफ निकलेगा। और बाकी क्या कुछ खास होने वाला है, इसका प्राइस कितना होने वाला है, और स्पेसिफिकेशन क्या कुछ होने वाला है, कैमरा कितना होने वाला है, इसका अभी ऑफिशियली स्पेसिफिकेशन लीक नहीं हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वैसे आप लोग बताइए कि Mi Mix 3 को लेकर आप कितने एक्साइटेड है। By the way, मुझे Xiaomi के कुछ फोन्स काफी अच्छे लगे। तो वेल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। एंड अगर आपको कोई सजेशन या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, आपके कॉमेंट को मैं हाईलाइट करूंगा और उसके बाद में उस पर काम करेंगे। लेट्स सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। One.